हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर 13 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द पेपर में देखा गया है। प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन उठाकर देखो तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। ओके, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कहना क्या चाह रहा है। देखो, एवेल्युएट करना है ए यूनियन बी और इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन क्या हमें, टू पी ए, टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 5/13। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, यानी कि ए ऑफ बी भी पढ़ सकते हो, ए डिवाइड बी कुछ भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। ये कितना देखा हमें, 2/5। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन। अब उसके लिए देखो, अगर मैं इसका एक फॉर्मूला अगर आपको पता हो कि पी ए ऑफ बी हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो लास्ट कटम होता है वो आ जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, ये हमें पता है, फॉर्मूला होता ही है। ये हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, तो देखो ये आया, ये हमने फॉर्मूला होता है। अब देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। यहाँ से इंटरसेक्शन निकलेगा। देखो क्वेश्चन को किस तरह से करना है, यहाँ से निकलेंगे हम इंटरसेक्शन। ओके, देखो पी वी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5/13, और पी ए ऑफ बी की वैल्यू 2/5। तो देखो इसकी जगह कितना, 2/5 इक्वल पी ए इंटरसेक्शन बी मुझे निकालना है। तो देखो यहाँ कितना आएगा, पी वी, तो पी वी कितना है, 5/13। ओके, अब देखो ये इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये पूरी टर्म इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। फाइनल मेरा जो आंसर है पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा मेरे पास, 2/5 इनटू ये पूरी टर्म सेम एज इट मल्टीप्लाई, यानी 5/13। 5 से 5 कट, तो 2/13 मेरा इंटरसेक्शन आया। ओके, ये क्या है मेरा, पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब देखो, अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मेरा क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है मेरा, पी ए यूनियन बी। यही मेरे को निकालना है। अब यहाँ देखो ये निकालना है, एवेल्युएट ए यूनियन बी और इसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखो मेरे को तीन चीज़ें चाहिए इसके लिए, ए चाहिए, बी चाहिए और इंटरसेक्शन। तो ए एंड बी मेरे को पता है, इंटरसेक्शन निकालना। अब देखो यहाँ से ए कैसे निकालेंगे, देखो मेरे को दे रहा है 2p, ये कितना है, 5/13। तो अगर यहाँ से मेरे को पी ए की वैल्यू निकालनी है तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, कितना आएगा, देखो पी ए इक्वल 5/26। ओके, तो ये आ गया मेरा ए। इसकी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ पर। तो देखो ए कितना है मेरा, 5/26, बी कितना है मेरा, 5/13। ये अभी इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाली कितनी, 2/13, ये हमें चाहिए, तो इसको एज इट इज़। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा हमारे पास, 26, 5 एज इट इज़ प्लस 26 से 13 से डिवाइड, 2, 2 5 जा 10, माइनस फिर 4, तो देखो कितना आएगा यहाँ से, 11 अपॉन 26, ये क्या आ जाएगा हमारा, पी ए यूनियन बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें इस तरह से सॉल्व करना है। इसके लिए आपको दो फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं, एक पी ऑफ बी यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है, एक ये, एंड सेकेंड जो हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये वाला। ओके, इन दो फॉर्मूले की हेल्प से इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ओके, आई होप समझ आ गया हो। कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि वो भी बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले सकें।